हैदराबाद के इंदिरा नगर में आज 40 वर्ष बाद यहां की जनता को प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए वोट डालने का मौका मिला। इस चुनाव में तीन कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिसमें से मोहम्मद समद ने बाजी मारी। अपनी इस जीत का इजहार करने मोहम्मद समद जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वादों को दोहराया और कहा कि हम अपने वादों पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए MLA एम गोपीनाथ से भी बात करेंगे, किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ की जनता के लिए कम्युनिटी हॉल, पीने का पानी जैसी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा पद्मावती इलाके में भी प्रेसिडेंट का नतीजा आया, जिसमें मोहम्मद जावेद ने अपने विरोधियों को परास्त कर दिया। जावेद भी अपनी खुशी का इजहार करने जनता के बीच पहुंचे और जनता को भरोसा दिलाया कि वह पीने की पानी की समस्या को जल्द ही खत्म कर देंगे। बता दें कि यहाँ पीने के पानी की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सबसे पहले इंदिरा नगर के माँ बहनों का या ना शुक्र अदा करता हूँ, मेरे भाइयों का या ना जो है ना 40 साल से यहाँ पर जाना इलेक्शन में जो है ना आज तक नहीं हुआ था। आज जो है ना आठ महीनों से जो है ना लड़ते लड़ते है ना इलेक्शन पूरा हुआ है। पर मैं जो है ना माँ गंडी गोपीनाथ साहब का जो है ना शुक्र अदा करता हूँ। सबसे पहले जो है ना हमारा जो है ना बहुत हेल्प करे, और हमारे हमेश शफी भाई अहमदनगर कारपोरेटर, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमारे ये इलेक्शन के पीछे है ना। ये इलेक्शन को है ना रोकने की बहुत बहुत कोशिश करे, लेकिन अल्लाह का करम रहा ये इलेक्शन नहीं रुका है ना। इलेक्शन में ना अच्छे फाइन लेने को। आपका मैनिफेस्टो क्या क्या है और क्या क्या डेवलपमेंट काम करते हैं आवाम को? तय खून दिया आंगनवाड़ी स्कूल है सब में पहले तो है ना, और है ना कमेटी हॉल है ना, और जाना अपने यहाँ तो टेम्पल है या ना टेम्पल का काम है, और तकरीबन जाना बोर होना है ना बोरों का काम है ना, और टेनिस लेना है ना एकदम छोटे है ना, और बड़े डालने का है ना वो भी काम है ना। तो ये जमीन है यहाँ पे कम्युनिटी हॉल तामीर करते हुए गवर्नमेंट लैंड है नहीं किसी के खरीद के बनाने के लिए? नहीं, गवर्नमेंट लैंड है ना, वहाँ पर है ना काम होना है। और किसते वोटों से कामयाब हुए हैं आप? तीन हमारे 244 वोटों से है ना कामयाबी मिली है। 516 वोट जो है ना टोटल पोलिंग हुई, जिसमें से 373 वोट जो है ना हमारे को मिले हैं। तमाम हमारे पद्मावती नगर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, भारी एक्सप्रेस से जिताए हैं। मैं हमारे साथियों का, हमारे बुजुर्ग लोगों का, हमारे माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आप इतनी भारी मेजॉरिटी से जिताएँ, और इंशाल्लाह जो आज हमारे डेवलपमेंट को देखकर आप लोग इतनी मेहनत किए हैं, इंशाल्लाह फिर हम इससे ज़्यादा और मेहनत करके बताएंगे इंशाल्लाह। क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे और अपना मैनिफेस्टो क्या है आपका? प्रॉब्लम क्या है, एक तो अपने रिजर्वर का एक वर्क चल रहा है, एक हमारे कृष्णा राव MLA साहब के फंड में, उसमें जो है 7.5 करोड़ रुपये का रिजर्वर का काम चल रहा है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पानी का है, दूसरा एक कम्युनिटी हॉल है, और इंशाल्लाह जगह तो नहीं है यहाँ पे कहीं पद्मावती नगर में, सब पब्लिक मिल के पूरा कंट्रीब्यूशन करके जो है सो अपन एक उसका एक खरीदेंगे बोले सरकार, उसमें हमारे MLA साहब को और हमारे कारपोरेटर मैडम को भी हम हेल्प लेंगे, हम उन लोगों से लेकर के कमेटी हाल कायम करने का हम लोग इरादा करें इंशाल्लाह ताला। हम सारी पब्लिक से मशवरा लेके हम सबके ताउन से जो है काम करने की हम कोशिश करें। क्या रूलिंग पार्टी से भी आपका भरपूर ताउन है इसमें, और सरकारी स्कीम माध्यम से आवाम को किस तरह के? जो भी हमारे जो हुकूमत TRS हुकूमत से हमारे को जो भी फंड मिल रहा, हमारे को 50 लाख रुपए हमारे को एक फंड मिला था, जो हमारे MLA साहब कृष्णा राव साहब और हमारे सभ्या गौसुद्दीन, उनसे भी कॉरपोरेटर मैडम से भी हमारे को बहुत सारा हेल्प हो रहा। पब्लिक जो है हमारे डेवलपमेंट को देखकर ही पब्लिक वोट डालती है, बगैर डेवलपमेंट के कोई वोट नहीं डालते। जब इलेक्शन जीतना है तो MLA साहब, हमारे कॉरपोरेटर, हुकूमत, हर किसी का हेल्प होना बहुत ज़रूरी होता, और पब्लिक भी हमारी हम इतनी भी तारीफ करो कम है कि जितनी इतनी पानी की इतनी जो तकलीफ हुई थी उसमें भी हमारा भरपूर साथ दिए, और अल्लाह का करम हो गया वो TRS हुकूमत KCR साहब जो है सब पानी की जस्तजू करके जो गोदावरी से जो पानी लेके आए हैं, आज अल्लाह का एहसान है, बहुत सुकून ही सुकून है। और जो भी है जैसा कि हुकूमत बोली कि जनवरी से हम पानी देंगे हम डेली बोल के, इंशाल्लाह ताला हम सब के लिए यही है कि अल्लाह ताला से हर साल बरसात की दुआ किए करें अपन, पानी जब बरसात अच्छी होगी तो पानी भी हमको कोई
बहुत भरपूर पानी मिलेगा। कितने मरतबा इलेक्टेड हुए आप?